सो आज का ये जो वीडियो है ये रहेगा अबाउट फोक राइजर, क्या होता है फोक राइजर, उससे क्या एक्चुअली डिफरेंस पड़ता है। बट ये सब बताने से पहले मैं आपको इसको किस तरह से मैंने लगाया है एंड जो कुछ भी प्रोसेस थी ये लगाने की, तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक रॉ वीडियो मैंने शूट किया है, सो जस्ट एक बार देख लो। उस दिन एक कस्टमर गया। क्यों ऐसा होता है? रिक्शे से थोड़ा इधर तक आ जाओ, मैं बोला रिक्शे से नहीं आता। ये अपना ओरिजिनल है क्या? मतलब इतना पड़ेगा? ओके। अभी क्या किया, जस्ट फिटिंग किया, ये वाला निकला स्टॉक और ये इधर। अभी ये जो फिटिंग है ये यहाँ पे आएगा। अभी क्या करना क्या है? अभी फोक नीचे लेना है। फोक को नीचे लेना है। एक्चुअली ये जो फोक राइजर है ये क्या होता है, इससे क्या काम लेते हैं, अपने बाइक में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। सो दैट्स व्हाई मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने के मूड में नहीं था अबाउट दिस फोक राइजर्स। बट अभी जब मुझे पता चल गया कि इससे क्या होता है, सो दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस ये जो फोक राइजर्स है ये आपको लगभग ये साइज़ के आते हैं जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा। एंड ये जो फोक राइजर्स है ये आपके फोक्स जो रहते हैं गाड़ी के स्टॉक फोक्स उसको ऊपर से लगते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग की तरह। एंड उससे क्या होता है, आपका लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो ट्रैवल है वो वही रहने वाला है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है आपके सस्पेंशन के वर्किंग में। बट जो सस्पेंशन की हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी। गाड़ी जो है वो फ्रंट से, क्योंकि मैंने फ्रंट में इंस्टॉल किए हैं फोक राइजर्स, तो उसकी वजह से जो फ्रंट है गाड़ी का वो ऊपर उठ गया है अभी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो एक सीटिंग पोजीशन है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है। मतलब पहले ऐसा होता था कि थोड़ा मैं गाड़ी के ऊपर बैठता था, अभी ऐसा हो गया है कि मैं गाड़ी के पूरे इनसाइड बैठता हूँ। जो आगे बाइक है वो आगे से उठ गया है, तो दैट इज़ मोर कम्फर्टेबल फॉर मी टू राइड। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। आप एक बार फोक्स देख लो कि कितने ज़्यादा एक्सटेंड हुए हैं। जैसे कि अभी वीडियो में आपने देखा जो फ्रंट फोक्स है गाइज वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिगर लग रहे हैं। एंड उसके ऊपर जो राइडिंग कंफर्ट मिल रहा है फिलहाल, मतलब जब भी गाड़ी खड्डे में जाती है तो फ्रंट जो टायर का एक झटका लगता था जो कि हैंडल बार में से ट्रैवल होके मुझे लगता था, अभी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। अभी जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो बिकॉज ऑफ हाइट मुझे ज़्यादा अभी झटका झुटका नहीं लगता। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने की वजह से अभी जो गाड़ी है वो नीचे स्पीड ब्रेकर्स पर थोड़ा कम लगता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं लगता है, लगता तो है अभी भी, बट इतना नहीं लगता है जितना पहले लगता था। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि अजिंक्य भाई ये 1500 रुपए का फ्रंट फोक राइजर लेना ज़रूरी है क्या, तो अगर आप एडवेंचर राइड्स करते हो, लॉन्ग लॉन्ग टूर्स करते हो, तो फिर मैं 101% आपको ये रिकमेंड करूँगा कि गो एंड बाय दिस एंड जो आपके फ्रंट के फोक्स है उसको एक्सटेंड करके लीजिए। सो यू कैन डू दैट। बट अगर आप सच में लॉन्ग ट्रैवल करते हो, थोड़ा बहुत ख़राब रोड के ऊपर चलते हो, देन एंड देन ओनली बाई दिस, क्योंकि ये एकदम ज़्यादा नेसेसरी चीज़ नहीं है। अभी तक तो लाइक 40,000 किलोमीटर मेरे डोमिनार के ऊपर जो मैंने किया है वो तो विदाउट फोक राइजर ही किया है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये होने से जो कम्फर्ट लेवल है वो बढ़ जाता है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है, बस इतना ही होता है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत ज़्यादा लाइक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स है आप लोगों के कि भाई आप सस्पेंशन अपग्रेड कर रहे हो क्या, आप लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन बना रहे हो क्या, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये चीज़ से। लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन करने के लिए आपको जो अंदर की स्प्रिंग है उसको पूरा चेंजेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा फटका है। देखते हैं कभी फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिला, कोई एक प्रॉपर टेक्नीशियन बंदा मिल गया कि जो मुझे फ्रंट फोक्स जो है उसको चेंज करके लॉन्ग ट्रैवल करके दे मेरे डोमिनार के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में सोचूंगा। एंड बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अभी क्या है ना, बाहर धूप इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल भी लाइक बाहर जाने का मन नहीं करता। बाय बाय, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय गाइस।